ये हमारे बीच में रेडी पट्टी यूनियन फैमिली बोलेंगे उनसे बात करो आप उनसे बात करो। हेलो भाई, ये क्या है? आपको बता रहे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी? आएंगे हम गेट पे आएंगे, गेट पर आएंगे हम, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, सूचना है ना, यहाँ खड़े हो जाओ आप, बीच में नहीं आएंगे, बोलेंगे हमसे आप बोल नहीं सकते। हाँ मैं बता रहा हूँ, हम गुड़गांव में रेल पटरी लगाते हैं, हमारा संगठन है, हम 2 महीने से ऊपर हो गया, हम नगर निगम के गेट पे प्रदर्शन में हैं। यहाँ पर एक अधिकारी रहता है, हमें रोज
बात करने के लिए बुलाता है, मिलता नहीं। आज हम उसके घर पर आए हैं, नोटिस दे रखा है 5 दिन पहले। पुलिस को मालूम, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम, उसको खुद को मालूम, उसके हाथ से रिसीव करा रखा है। गार्ड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, गार्ड को हाथ उठाएगा, अभी उठाया, अभी हाथ उठाया, अभी हाथ उठाया, इसने बैनर उठाने की कोशिश की, इसका अधिकार नहीं। मैंने मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, इसका कोई अधिकार नहीं, पुलिस यहाँ पे है, इसकी हिम्मत नहीं। संजीव सिंह अमृताबाद, संजीव सिंह अमृताबाद, 7-9 2023 से धरने पे बैठे हैं। अधिकारी हमारे को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर संजीव सिंगला ने हमारे को कई बार अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन ऑफिस में हमसे मुलाकात करने के बजाय वहाँ से गायब हो जाते हैं और हमारी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। और इसके खिलाफ हम आज आक्रोश प्रदर्शन में हैं, जो कि ये हर तरह से गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। संजीव सिंगला अमृताबाद, संजीव सिंगला अमृताबाद, संजीव सिंगला अमृताबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पता है आप शुक्र किसी पूछे, हमने सूचना दे रखी है मैंने आपके ब्रांच को, हमारे ब्रांच कमिश्नर पुलिस, आपकी सीआईडी को पता है, जो हमें फॉलो करते हैं उनको पता है, अब उनको पूछो आप उन्होंने क्यों नहीं बताया। हमारा प्रोग्राम ये है, यहाँ रहता है संजीव सिंगला, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम, 2 महीने से हमें गोली दे रहा है, मिलता नहीं। आज हम उसके घर पे मिलने आए, ये सूचना हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी है, डीसी गुड़गांव को दी है, कमिश्नर पुलिस को दी है। ये तो क्या है, ये खाना का अरे तो हमारा साथ नहीं है, हमारे लिए आप उनकी जो बोलो आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं उनको आगे जो मर्जी करिए, वो हम लोग हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम सूचना से आए हैं, आपने रोकना चाहिए हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे पास आए नहीं, हम यहाँ हैं, हमारे को ये कहा गया तो सर हम खड़े हैं, जब ऐसे में हालात बिगड़े हो हम यहाँ से आके नहीं गए, उन्होंने बोला
यहाँ रहिए, हम रह गए थे, इन्होंने बैलेट छीनने की कोशिश की, ये इनका गलत प्रयास था। आप हमारे को बोल नहीं सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है और पुलिस को हमारी आने की सूचना है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी जानकारी है। आप खाने का थानेदार मत बनिए, थानेदार को अपना काम करने दीजिए। आपके कहने से हम यहाँ आ गए, आपने कहा कि गेट पर नहीं जाना, हम आ गए। आप उसके ज्यादा अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, मोर्चा आपके खिलाफ खुल जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। आप अपना जो भी है वो रास्ता अवरुद्ध ना हो, वही थोड़ा सा इस तरह। हाँ, हमने रास्ता छोड़ रखा है, रास्ता पूरा दे रखा है, ये सोसाइटी का गेट है, रास्ता हमने खाली कर रखा है। दादा सुनो मेरी बात, इनको ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो इतने प्यार से, आप पहले बोले होते, आपने बैनर छीनने की कोशिश की, आपको मालूम नहीं है जितनी आपकी उम्र उतने साल से मैं राजनीति में हूँ, आपने गलत प्रयास किया। धक्का मुक्की करने का अधिकार इसको किसने दिया? गुंडा होगा या अपने घर पे होगा? धक्का मुक्की किसी करने का अधिकार किसी को नहीं है। रोड पे, हम रोड पे जाए क्या? बोलो आप रोड पे जाना है, हम रोड पे जाए, रोड पे जाए, बुलवा दो आप इनसे, बुलवा दो, रोड पे जाना है भाई साहब, रोड पे जाए क्या वो कह रहे हैं? बता दीजिए ना, बहुत थानेदारी कर रहे हो आप, पता नहीं आपको थानेदारी कर रहे हो आप, अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, हमें मालूम है सारे अधिकार। संजीव सिंगला मुर्दाबाद, संजीव सिंगला मुर्दाबाद, संजीव सिंगला मुर्दाबाद, संजीव सिंगला मुर्दाबाद, गुड़गांव का डीसी मुर्दाबाद, गुड़गांव का डीसी मुर्दाबाद, सिक्योरिटी गार्ड की तानाशाही नहीं चलेगी, सिक्योरिटी गार्ड की तानाशाही पे रोक लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड की बदतमीजी पे रोक लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड की बदतमीजी नहीं चलेगी, नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, संजीव सिंगला 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 की तानाशाही नहीं चलेगी, संजीव सिंगला की तानाशाही नहीं चलेगी। गरीबों को सता कर आलीशान महल में सो नहीं पाओगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, हम अपने प्रदर्शन को विधिवत यहाँ लेकर आए हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, जब सिंगला आएगा तब हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे सिक्योरिटी ब्रांच से कहना है कि हमने सूचना दे रखी थी गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को, अगर उसके कार्यालय ने हमारे सूचना को नीचे नहीं पहुंचाया तो हम उसकी निंदा करते हैं, और घोर आपत्ति है कि पुलिस का विभाग अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमारे साथ बदसलूकी की है उनका भी खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। आप सभी साथी बैठ जाएं। आज हम सिंगला के घर पे आए हैं और हमने विधिवत सूचना दी है, जब सिंगला आएगा तभी हम बातचीत करेंगे। किसी ने ज्यादा थानेदार बनने की कोशिश की तो ये आंदोलन गुड़गांव की गली गली में फैल जाएगा, किसी को गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए सारे साथी बैठ जाएं। सर, दो महीने से आपका काम बंद है, किसी को होश नहीं है कि आज त्योहार के दिन दो महीने से हमें उजाड़ रखा है, आपके दरवाजे पे आए हैं, बदतमीजी आपकी गरीब लोगों के प्रति आपका रवैया नहीं है, उस लोन के नाम पे लोगों को भगा रहे हैं, 10-10 हजार रुपए लोन देते हैं, बाप के खून का लेसन बना रहे हैं, और लेसन पे एक ऐसा वर्ड लिख देते हैं जो चाहे वो घी का काम कर रहा है, चाहे वो नाई हो, चाहे कोई सा भी काम कर रहा है, उसको सिर्फ वो क्या घूम घूम के कर, क्या नाई भी हो गया तो वो घूम घूम के करेगा, अगर कढ़ाई में घी भरा हुआ है तो वेंडर वो घूम करके काम कर सकता है, ये बिना सर्वे किए वहाँ बैठ के LOR बना रहे हैं, लाइसेंस बना रहे हैं, जो कुछ में मोबाइल वर्ड लिख देते हैं, मोबाइल का मतलब घूमने फिरने की कहानी।